हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स को स्टार्ट करेंगे। देखिए, फर्स्ट एक्सप्लिसिट डिमांड फॉर द फंडामेंटल राइट्स केम इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल है 1895 का, ये जो है बाल गंगाधर तिलक के अंडर क्रिएट किया गया था। ठीक है ना, उन्हीं के सुपरविजन में क्रिएट किया गया था। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928, ठीक है, डिमांडेड इन एलिनेबल फंडामेंटल राइट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में भी फंडामेंटल राइट था। द कांग्रेस अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एट द कराची सेशन ऑफ 1931। ठीक है, तो देखिए हम सीक्वेंस देखिए। पहला तो हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895, ये किसका, बाल गंगाधर तिलक जी रिलेटेड थे इससे। फिर है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928। फिर हमारा है कराची सेशन ऑफ 1931। ठीक है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से जो है रिलेटेड है। ठीक है ना, कराची सेशन 1931। ठीक है, फिर हमारा आता है फंडामेंटल राइट्स आर इनश्राइंड इन द पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द आर्टिकल्स 12 to 35। ठीक है, पार्ट थ्री में है आर्टिकल 12 to 35। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर 7 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना, हमारा ओरिजिनल अगर हम देखें तो 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट हैं। देखते हैं, देखिए, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये 7 थी। लेकिन बाद में जो छठी राइट टू प्रॉपर्टी थी वो निकाल दी गई थी। देखिए, हाउ एवर राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, जो राइट टू प्रॉपर्टी थी वो जो हटा दी गई थी, कौन से फंडामेंटल राइट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है, 44वें अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। तो याद रखिएगा, एक तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जिसको मिनी पार्लियामेंट भी, मिनी जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 1978 के थ्रू, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, छठा फंडामेंटल राइट था, उसको हटा दिया गया। ठीक है, डिलीट कर दिया गया। राइट नाउ द राइट टू प्रॉपर्टी जो है इज़ अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। तो ये जो 6 फंडामेंटल राइट था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, उसको अब जो है दे दिया गया है राइट टू, ये लीगल राइट बना के आर्टिकल 300A में जो है शिफ्ट कर दिया गया है। और कौन से है, पार्ट 12। ठीक है, पार्ट 12 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में आर्टिकल 300A लीगल राइट, एज अ लीगल राइट इसको रख दिया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट आर द गारंटी अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट। ठीक है, फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट आर द गारंटी। ठीक है, गारंटी है किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ द स्टेट, स्टेट के आर्बिट्री एक्शन है ना, जो स्टेट का आर्बिट्री एक्शन है उसके अगेंस्ट जो है गारंटी है हमारा फंडामेंटल राइट। ठीक है, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट गारंटीड बाई आर्टिकल 20 और 21। तो हमारे आर्टिकल 20 और 21 के अलावा जितने भी आर्टिकल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, नेशनल वर्ड याद रखिएगा, दे आर जस्टिसिएबल। ठीक है, हम इसको जो है जस्टिसिएबल हम कोर्ट में लेके जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफन कंपेयर्ड विद द बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, यूएस का जो बिल ऑफ राइट है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली रिगार्डेड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको हम जो है किससे जो है इक्वेट कर देते हैं, बिल ऑफ राइट जो था यूएसए में, ठीक है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे हम इक्वेट कर देते हैं और इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं, पार्ट थ्री जो यूएसए का बिल ऑफ राइट है। ठीक है, और हमारे इंडिया में हमारा जो फंडामेंटल राइट है इसको हम जो है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारा संविधान जो है उसके द्वारा डिफेंड होता है और वो गारंटी हमारा संविधान करता है। ठीक है, आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है राइट इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ यानी कानून के समक्ष सब कोई क्या है, समरूप है, एक समान है। ठीक है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन सबके लिए होगा। ठीक है, यानी लॉ सबको एक तरीके से देखेगी और लॉ के सामने सब एक समान है। ठीक है, तो ये है, राइट टू इक्वलिटी इज इनश्राइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 12 to 18। तो 14, 15, 16, 17, 18 कितने हो गए, 5 राइट्स हो गए, 14, 15, 16, 17, 18, 5 राइट्स हो गए। राइट टू इक्वलिटी में कितने हैं, 5 राइट्स हैं। ठीक है,
फाइव आर्टिकल्स हमारे 14 to 18, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ. क्या क्या चीजें हैं? रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है, यानी कि पांच ग्राउंड हैं. कौन से पांच ग्राउंड से? रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. ये आर्टिकल 15 है, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ, ये आर्टिकल 15 है. आर्टिकल 16 है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी होनी चाहिए, आर्टिकल 16 है. आर्टिकल 617 के है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिसेस. ठीक है, तो अनटचेबिलिटी का एबोलिशन हमारे 17 में है. 15 में क्या था? देखिए आर्टिकल 15 में था प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है, 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, सॉरी 16 देखते हैं. 16 है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 17 इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस. फिर आर्टिकल 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक. ठीक है, तो टाइटल्स का एबोलिशन किसको? एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक. राइट टू फ्रीडम इज डिस्क्राइब्ड फ्रॉम द आर्टिकल 19 to 22. राइट टू फ्रीडम किसमें है? आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में है. राइट टू फ्रीडम किसमें? आर्टिकल 19 से 22 में है. ठीक है, राइट टू फ्रीडम 19 to 22. तो पहले राइट टू इक्वालिटी कितना है? 14, 15, 16, 17, 18, पांच आर्टिकल्स हैं राइट टू इक्वालिटी में. फिर हमारा आता है राइट टू फ्रीडम, तो फ्रीडम में है 19, 20, 21, 22, चार हैं, 19, 20, 21 and 22. ठीक है, आर्टिकल 19 गारंटीज टू ऑल द सिटीजन ऑफ सिक्स राइट्स. ठीक है, छह राइट्स मिलते हैं आर्टिकल 19 में. पहला है 19(1)(a) राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 19(1)(b) राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आर्टिकल 19(1)(c) राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज. क्या है? 19(1)(c). फिर आर्टिकल जो हमारा 19(1)(d) है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. 19(1)(e) क्या है? राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये जो हमारा है ये है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ऐड किया गया है. आर्टिकल हमारा 1F है. ठीक है, सिक्स राइट्स हैं, तो एफ हमारा क्या है? 19(1)(f) है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस. फिर हमारा है आर्टिकल 20 में क्या है? प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस. तो आर्टिकल 19 है ना, 19 में हमने देख लिया सिक्स राइट्स हैं, 20 में क्या है? प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस. ठीक है, कोई ऑफेंस हो गया है तो उसके कन्विक्शन के लिए जो है कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस के लिए उसका प्रोटेक्शन करना, किसी इंडिविजुअल के लिए, सॉरी, उसके प्रोटेक्शन के लिए है आर्टिकल 20. फिर है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21. ठीक है, तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21 में है. अब देखिए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 मेड एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट एंड एडेड इट इन आर्टिकल 2A. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 2A क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन. ठीक है, और 86 कौन सा है? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 2A जो है ऐड करके एलिमेंट्री एजुकेशन वहां पे जोड़ दिया गया है, जो फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया है. ठीक है, 22 आर्टिकल 22 क्या है? आर्टिकल 22 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट, देखिए यहाँ पे आर्टिकल 20 में क्या था? प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस. ठीक है, 21 आप जानते हैं लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 21A इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन. ठीक है, आर्टिकल 86 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड किया गया. फिर आर्टिकल 22 का है प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन. ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. फिर हमारा है आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज डिस्क्राइब इन 23. ठीक है, तो 19, 20, 21, 22 ये हो गया हमारा. अब हमारा 23rd एंड 24th जो हमारा है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, ये नेक्स्ट हमारा आ गया
ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में दो है हमारे 23rd और 24th, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में दो है। 23वां है वो कहता है प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में जो ट्रैफिक है उसका प्रोहिबिशन, ठीक है। फोर्स लेबर जो है ये भी हमारे 23 में है। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 24 प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो ट्रैफिक, ह्यूमन ट्रैफिक किसमें है और फोर्स लेबर, ये 23 में है। 24 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ठीक है। फिर हमारा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज डिस्क्राइब इन 25 to 28, चार आर्टिकल्स में है, किसमें, रिलीजन में, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 25, 26, 27, 28, ठीक है। 29 में क्या है, एंड आर्टिकल 29 and 30 आर रिलेटेड टू द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। 29 and 30 क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 32 क्या है, प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है इसको, जो है बी आर अम्बेडकर ने कहा है, तो जो है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए है। डॉक्टर अम्बेडकर, अच्छा इसमें है, देखिए डॉक्टर अम्बेडकर कॉल्ड आर्टिकल 32 एज द कोर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 कैन इशू रिट्स, ठीक है, रिट्स इशू करती है अंडर 32, कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। एंड द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 कैन अंडर आर्टिकल 226, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है अंडर आर्टिकल 32 कैन इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, एंड हाई कोर्ट जो है वो 226 में। तो सुप्रीम कोर्ट 32 में और हाई कोर्ट जो है 226 में कैन इशू रिट्स, ठीक है, नॉट ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो फॉर एनी अदर पर्पज। तो देखिए जो रिट्स इशू करने का पावर है, ठीक है, रिट्स इशू करने का जो पावर है वो जो है हाई कोर्ट का ज़्यादा है, ये फंडामेंटल राइट के लिए तो करेगा ही, अदर और भी कोई पर्पज है उसके लिए भी रिट्स जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। तो देखिए फाइव काइंड्स ऑफ रिट्स आर मेंशन इन द आर्टिकल 32 एंड 226। पहला क्या है, हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब किसी की बॉडी है जो हमारे सामने प्रेजेंट करनी है, तो किसके सामने, जुडिशरी के सामने, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के। द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट। तो बिल्कुल याद रखिएगा, हैबियस कॉर्पस पी प्लस पी, हैबियस कॉर्पस पी प्लस पी, पब्लिक प्लस प्राइवेट। Whosoever has detained another person to produce the body of the latter before it, ठीक है, if the detention is followed to be illegal, the detained person would be set free. This writ is bulwark of the individual liberty against the arbitrary detention, ठीक है। अगर arbitrary form में कोई detain कर दिया हो किसी को, तो ये क्या है कि उस जो इलीगल डिटेनमेंट है उसको जो है कैंसिल करके इंसान को जो है फ्री कर दिया जाएगा, उस इंडिविजुअल को फ्री कर दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये बुल वर्क है हमारे जो लिबर्टी होती है किसी भी इंडिविजुअल की, उसको बचाने के लिए। तो हैबियस कॉर्पस मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ उस इंडिविजुअल की, टू प्रेजेंट द बॉडी ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। और इसमें पी प्लस पी यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए ही लागू होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, के नीचे भी है मैंडमस, ठीक है। मैंडमस क्या है, वीक कमांड, इट इज अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिशियल, ठीक है, पब्लिक ऑफिस, एनी जो है पब्लिक ऑफिस, अ कॉर्पोरेशन और इन्फीरियर कोर्ट, अ ट्रिब्यूनल और द गवर्नमेंट, आस्किंग देम टू परफॉर्म ऑफिशियल ड्यूटीज दैट वन हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म, ठीक है। तो ये देखिए पब्लिक ऑफिशियल के लिए है, प्राइवेट यहाँ पे कहीं नाम नहीं है। तो हमारा जो टू हैव द बॉडी क्वे वरंटो था, उसमें पी प्लस पी, इसमें ओनली पी, यहाँ पे सिर्फ पब्लिक है, प्राइवेट नहीं है, ठीक है भाई। किसी को हम कमांड करेंगे, उसी को कमांड करेंगे जो पब्लिक जो है सर्वेंट होगा, है ना, प्राइवेट वालों को कैसे कमांड करेंगे। तो पब्लिक हो, ठीक है, चाहे वो जो है कोई कॉरपोरेशन हो या इन्फीरियर कोर्ट हो या ट्रिब्यूनल हो या कोई जो है गवर्नमेंट हो, तो उसको हम कहेंगे कि आप अपने काम सही से नहीं कर रहे, आप अपना काम करिए। कौन कहेगा, जुडिशरी कहेगी। तो ये मैंडमस हो गया। प्रोहिबिशन क्या है, टू फॉरबिड, मना कर देना। इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन और अपराइजिंग अ ज्यूरिसडिक्शन दैट इट डज नॉट पोजेस, ठीक है। अच्छा, अपराइजिंग नहीं है, असर्पिंग द ज्यूरिसडिक्शन दैट इट डज नॉट पोजेस, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि प्रोहिबिशन में क्या होता है कि एक सुप्रीम कोर्ट अपने जो है जो इन्फीरियर कोर्ट है, इन्फीरियर मतलब होता है लोअर कोर्ट्स, है ना,
उनको जो है एक रिट जारी कर देती है कि प्रोहिबिशन करे टू फॉरबिड, मना करती है कि आपके दायरे में ये चीज़ नहीं है, इससे बाहर आप काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्ट देम, ठीक है, उनका जो है एक एक, एक बाउंड्री बना देती है उनके लिए। तो ये है प्रोहिबिशन, मतलब सुपीरियर कोर्ट अपने इंफीरियर कोर्ट को, ये इंफीरियर मतलब ऐसा नहीं है, इंफीरियर मतलब होता है अपने जो नीचे के हायरार्की में जो कोर्ट्स हैं, ठीक है। अब सर्टियरी क्या होता है, सर्टियरी मतलब टू बी सर्टिफाइड, इट इज इशूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस जुरिस्डिक्शन ऑफ और लैक ऑफ द जुरिस्डिक्शन और एरर ऑफ लॉ, ठीक है। कब होता है, या तो एक्सेस जुरिस्डिक्शन हो या लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन हो या फिर किसी लॉ में कोई एरर हो, इट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर द केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ और टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ लेटर इन अ केस, ठीक है। तो या तो ऑर्डर को क्वेश्चन कर देंगे या फिर कहेंगे कि जो आपके पास केस है वो हमें ट्रांसफर करिए, आप मत देखिए हम देखेंगे। तो ये सर्टियरी, हायर कोर्ट टू इन्फीरियर कोर्ट, ठीक है। तो आप देख लीजिए प्रोहिबिशन और सर्टियरी, ठीक है ना, ये दो हो गया, प्रोहिबिशन और सर्टियरी, पीसी समझ लीजिए। पीसी जो है ये क्या करेंगे, ये जो हमारा हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के लिए है, ठीक है। मैंडमस क्या है, सिर्फ पब्लिक के लिए है। सर्टियरी क्या है, हैबियस कॉर्पस क्या है, हैबियस कॉर्पस आपका पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है क्यूवरेंटो, क्यूवरेंटो में क्या है, बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस, ठीक है। ये भी पब्लिक के लिए है, ठीक है, प्राइवेट के लिए नहीं है। पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस मतलब कि आपने किस वारंट किस अथॉरिटी से ये काम किया, ठीक है ना। क्यूवरेंटो मतलब पूछा जाता है कि आपकी क्या अथॉरिटी थी, आपने ये काम कैसे किया। तो इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस, ठीक है। कोई जो है किसी इंडिविजुअल का क्लेम हो तो पब्लिक ऑफिस को ये चेक करती है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है आर्टिकल 358, ठीक है। आर्टिकल 358 प्रोवाइड्स फॉर द सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग द इमरजेंसीज। तो 358 कहता है कि अगर कोई जो है सस्पेंड कर सकते हैं आर्टिकल 19 को ड्यूरिंग इमरजेंसीज, 19 को इमरजेंसी में हम सस्पेंड कर सकते हैं। आर्टिकल 359 क्या कहता है, प्रोवाइड्स फॉर द सस्पेंशन ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21, ठीक है। आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये कहा गया आर्टिकल 359 में कि फंडामेंटल राइट्स सारे जो है सस्पेंड हो जाते हैं, बट जो हमारा आर्टिकल 20 और 21 है वो जो है वो भी अब तब भी वो अलाइव रहता है, वो जो है तभी भी जो है उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन इन द केस ऑफ द बछान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हेल्ड दैट sentencing discretion inherent section 302 of the IPC is not violate of the article 14, 19 and 21 of the Indian Constitution. क्या कहा उन्होंने, इन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था इन द केस ऑफ बचान सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब दैट सेंटेंसिंग डिस्क्रीशन inherent in the section 302 of the IPC is not violative, ठीक है, is not violative of article, ये violate नहीं करेगा जो हमारा section 302 है, जो discretion inherent in sentencing discretion, किसको violate नहीं करेगा, IPC का section 302 not violative of article 14, 19 and 21 of the Indian Constitution। तो ये Supreme Court है, केस आप देख लीजिए, ये है बछान सिंह versus state of Punjab, ठीक है। अब हमारा start होगा ये आपका क्वेश्चन आंसर, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।